ये देख लो अपनी इन्फ्लुएंसर का मुंह हालत देखो इनकी खाते हुए। जैसे ही मेरा ऑर्डर रेडी होगा ये घन घन आएगा। लेट्स सी। मैं कह रहा था चीज और ब्रेड खा खा के उबी आ गए भाई। अब लग रहा है कि कहीं से चावल दाल डोसा वोसा कुछ मिल जाए, समोसा मिल जाए, समोसा मिल जाए। Bye bye to this beautiful view. That's all from Meskia. Now we are leaving for Zubi. Oi. Bye bye. Hi guys, welcome back to my channel. तो हम आ गए हैं मेस्तिया से जुग दीदी। मैं रास्ते में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इस बार हम आ रहे थे मिनी बस से और वो इतना घूम 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 के आ रहा था कि मुझे वॉमिटिंग लगने लगी थी और मैं पीछे सीट पे बैठी थी, तो इसलिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। हम पहुंच गए जुग दीदी और अपना रूम जो है वो चेक इन कर चुके हैं, ये भी एयरबीएनबी भी किया है, बस रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं हम थोड़े से सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। जुग दीदी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट मुझे चाहिए था कि डायरेक्ट मैं बातूमी यहाँ से जाऊँगी तो बीच में एक छोटा सा स्टॉप कर लेती हूँ, लेओवर टाइप्स ले लेते हैं जो भी कहते हैं उसको, तो इसलिए हम रुक गए हैं जुग दीदी में, अभी जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। यहीं पर हम रुके हुए हैं जुग दीदी, और ये है मोहित सर जो अपनी जैकेट में ही रहते हैं हमेशा। भूटान में भी यही जैकेट, यहाँ पे भी यही जैकेट। मैं इनके लिए ये लेके आई थी कोट जो इन्होंने पहना नहीं, तो मैं पहन ले रही हूँ। यूज़ तो करना पड़ेगा ना, ये प्राइम बंदों का नेचर होता है भाई, वो जो मैं कंफर्टेबल फील करते हैं वही पहनना चाहते हैं वो तो हर जगह। सो आई एम डूइंग द सेम। तो चलो, आपने कुछ देखा है जुग दीदी में कहाँ कहाँ घूमना है? जुग दीदी में एक्चुअली कई सारे पैलेसेस हैं जो काफ़ी फेमस हैं, बट उनकी टाइमिंग ऐसी है कि वो 5:30 बंद जाते हैं, तो हम तो लेट लतीफ़ लोग हैं, अब बंद हो गए होंगे। तो कल सुबह जाना है आपको एक्सप्लोर करने? कल सुबह ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मज़ा आएगा। एक बोटानिकल गार्डन है वो सुबह 7 से 9 बजे तक ना फ्री एंट्री है, वो अभी भी खुला हुआ है, लेकिन बोटानिकल गार्डन में मतलब क्या ही पेड़ पौधे, इतनी हरियाली है यहाँ पर। हाँ, मतलब ऐसे गार्डन में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन म्यूजियम में मोहित को बहुत इंटरेस्ट है, तो कल सुबह देखते हैं हम म्यूजियम जाने का। अभी बस ऐसे ही नॉर्मल सिटी एक्सप्लोर करते हैं, छोटी सी सिटी है। यहाँ की ये बिल्डिंग भी बहुत फेमस है, मोज़ेक बिल्डिंग। कौन सी? ये जो बिल्डिंग्स है ना ऐसी, हाँ ये यहाँ की फेमस है, ये पुरानी बिल्डिंग्स है ये तो। हाँ, मोज़ेक्ड है, मतलब जो जैसे वो तुमको ब्लू रंग का दिखा ना वो साइड में, तो वो तो वैसे ये फेमस है। और यहाँ का खाना, इस जगह का खाना स्पेशली अलग है पूरे जॉर्जिया से। अच्छा, मतलब ऐसा क्या है इसमें? जैसे यहाँ पर हम खाचापुरी खाते हैं, हाँ, तो खाचापुरी को भी मतलब मतलब 2x लगा दिया उसमें भी, मतलब उसमें भी और चीज़ भर के डबल एक्स करके चीज़ डाल के दिया हुआ, तो सब चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ ही होती हैं। वैसे तो पूरे जॉर्जिया में बहुत चीज़ खाते हैं, पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चीज़ होता है। देखते हैं अभी चल के कुछ ट्राई करते हैं। यार ये गुलाबी फूल है क्या? ब्रीडेड थोड़ा सा? नहीं, गुलाब नहीं है, पत्ते ही नहीं है गुलाब के, पर एकदम गुलाब लग रहा है। आपको गुलाब लग रहा है कि नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। क्या बोल रहे थे आप अभी? मैं कह रहा था चीज और ब्रेड खा खा के उबी आ गए भाई, अब लग रहा है कि कहीं से चावल दाल डोसा वोसा कुछ मिल जाए, समोसा मिल जाए, समोसा मिल जाए। मुझे जाना पहले मैकडी में, मुझे खाना है एक बर्गर, क्योंकि मैं ये चीज ब्रेड खा खा के उबी आ चुकी हूँ। अब मुझे सैलेड वाला खाना है, जैसे मोहित की तरह मैं भी उबी आ गई हूँ, लेकिन मुझे अब खाना है सैलेड वाला बर्गर। 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें दिख गया है मैकडी। चलो ऑर्डर करते हैं। काफी कूल सा बड़ा सा दिख रहा है ये मैकडी तो। हमने ये अपना टेंट नंबर ले लिया है। अब मोहित के अकॉर्डिंग जैसे ही मेरा ऑर्डर रेडी होगा ये घन घन आएगा। लेट्स सी घन घन आता है कि नहीं। वाइब्रेट करेगा। ठीक है, आप फूल ले लीजिए। कोस्टर मिलता है इंडिया। वही यहाँ के किसी ने फूल नहीं दिया था, पर मैं आपके लिए फूल लेके आई हूँ। फूल फॉर अ फूल। आई एम वेटिंग फॉर दिस घन घन आओ। डर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं ऊपर। आ जाओ ऊपर जा रहे हैं और घनघनाया नहीं वो, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वाइब्रेट नहीं किया वो कोस्टर, इसलिए है कि बंदी हमको देख ले नंबर और नंबर देख के वो हमको डिलीवर कर दे। ये एकदम मस्त चीज है यार, बाहर बैठो, व्यू देखो और खाओ। तो यहाँ बैठेंगी ये और ये व्यू लेते हुए, सिटी स्क्वायर का, सिटी सेंटर का व्यू लेते हुए ये खाएंगी। दिस इज माय बर्गर, डबल पैटी वाला। वही एक पैटी आपको दे दूं?
ओके ये देख लो अपनी इन्फ्लुएंसर का मुंह हालत देखो इनकी खाते हुए पोच पाच के पूरा एकदम सही कर दिया है। मैं खा रही हूँ ना तो मेरे को भूख लग गई थी क्योंकि यहाँ पे यार बहुत गंदा था मेरे को नहीं मन कर रहा था खाने का जबकि इसके पैटी में भी सिर्फ आलू है कोई मसाला नहीं काफी ब्लैंड खाना होता है यहाँ का ब्लैंड इनसे काम चलाना पड़ रहा है साले फ्री का ना केचप भी नहीं देते उसके लिए भी अलग से पैसा भरो कितना जितने में एक शीशी आ जाती है केचप की भाई ऐसे ही होता है फॉरेन में ऐसा ये नहीं नॉर्मल है होता ये हाँ नॉर्मल है न्यू नॉर्मल मुंह पे लगा है पोस्ट तो लो यहाँ ऐसे ही खाते हैं हम तो देसी लोग हैं मैगडी में बैठ के खाते हैं खा पी के निपटा के आ चुके हैं हम और मैं अभी मोहित को बोल रही थी कि हम मैगडी इंडिया में भी खाते हैं ना तो वो इतना टेस्टी होता है इतना फ्लेवर होता है उसमें मतलब पनीर जिंगर हो गया कितना स्पाइसी टेस्ट होता है चीज़ी स्पाइसी टेस्ट होता है लेकिन और कहीं वो नहीं मिलता है जैसे दुबई में भी नहीं मिलता है मुझे तो वो हम मिस करते हैं। हमने एयरपोर्ट पे खाया था पनीर जिंगर वो भी इतना कॉस्टली नहीं हमें पड़ा जितना ये हमने अभी 15 लारी का खाया है। चलो महंगाई की तो अलग बात है लेकिन वो चीज़ ही नहीं मिलती है। वी मिस अवर इंडिया वो फूड स्पेशली। मोहित को मिल गई है खाजापुरी की दुकान और मोहित आपको कौन सा खाना था ये वाला मैग्रेनियन खाजापुरी पर ये खाओगे कि नहीं कि कुछ और खाओगे देख लो फेमस है वो यहाँ का क्या ट्राई करना चाहिए आपको पहले कुछ और भी देख लो वो है पाई विद पोटैटोस क्या डिफरेंट है दो लेयर तीन लेयर है दिख तो मुझे और दो लेयर के बीच में चीज़ है अच्छा यार बट यहाँ सारा खाना किसी में भी ना स्पाइसेस नहीं होते मेरे को अब तीखा चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा है बस हो गया यार ये सादा सादा भोजन उच्च विचार रख के भाई नई जगह पे जाओ तो यही तो तुम्हारा वो होता है कि तुम नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो हाँ वो तो है नई चीज़ नया सब टेक्सचर हाँ वो तो है यही तो ब्यूटी है उसकी दो मेरे को भी दो मैं भी खाती हूँ कड़वा है कड़वा तो नहीं है अब ये जो खरीदा था उसको भी ट्राई कर लेते हो यार इससे भी तो खाचा पूरी थी ये अच्छी नहीं है मैगडेनियन दिस इज आल्सो समथिंग नॉट टू ग्रेट सम बेक्ड बिस्किट विद वॉलनट लग रहा है मुझे हां बेक्ड बिस्किट कुकीज समथिंग नॉट दैट ग्रेट ओकेश एक चीज़ हमें नई देखने को मिली है यहाँ पर कि यहाँ पर शॉर्मा की दुकान है बट हमारे लिए वो नई चीज़ किसी काम की नहीं है क्योंकि हम तो हैं शाकाहारी प्राणी तो शॉर्मा भी हमारे काम की नहीं है भाई साहब वेजिटेरियन वालों को खाना बहुत ढूंढना पड़ता है भाई विदेश आके विदेश तो हम आ गए जुगदीदी मॉल वैसे हमने ऑलमोस्ट आधा शहर तो नाप लिया तो बस मॉल में भी मज़ा नहीं आया चलते बाहर अब हम वॉक करते करते हम आ गए यहाँ के एक छोटे से फ्ली मार्केट में हमने सोचा चल पूरा शहर तो देख ही लिया अभी अभी देख लेते हैं क्या है so, ये सब कुछ है यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह मिल रहा है ये बंद हो रहा है क्या सारा का सारा फ्रूट्स अभी ये शहर बहुत जल्दी सो जाता है अंदर कुछ ऐसे राशन पानी की दुकान है यार ए यहाँ की टॉफियाँ लोग लेके जाते हैं क्या किलो खाओ हाँ ये सॉसेज नहीं है ये देखो बगल में पोर्क का पार्ट कटा हुआ चिकन हाँ पूरा सॉसेज ही सॉसेज मेरे को लगता है रेस्टोरेंट वाले यहाँ से लेके जाते हैं क्या अगर जहाँ पे लारी नहीं लिखा हो ना वहाँ पे जाने का नहीं है लगता है बहुत जल्दी ये शहर बंद हो जाता है ये बंद हो गया चल उधर से चलते हैं हम एक अजीब सी थोड़ी स्मेल भी है इस मार्केट में हाँ वैसी थोड़ी सी कैसे पसीज क्या कहते हैं उसको
वैसे टाइप के, बहुत ज्यादा स्मेल है उसमें। मे भी हम लोग वेजिटेरियन है इसलिए ज्यादा आती है क्या हम लोगों को। सारी दुकान बंद हो गई है, अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 7 और अभी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। यहाँ पे ब्रेड मिल रहा है पूरा तरह तरीका का। उधर फ्रूट्स मार्केट आ जा देखते हैं, छोटा सा फ्री मार्केट यहाँ का, वो भी घूम लिया। और बेस्ट चीज़ है कि ना कि यहाँ पे कोई हमारी भाषा नहीं समझता है, तो हम कुछ बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखते हैं कि कैमरा पकड़ के क्या रिकॉर्ड कर रही है, बस उससे ज़्यादा नहीं। देख रहे हो ये गेहूँ पोतली में, गेहूँ हाँ, सिंदूर, सिंदूर भी बिक रहा है, कलर फूड कलर बिक रहा है। मतलब हमारी भाषा कोई समझता नहीं है ना, तो कॉन्फिडेंटली बोल दो क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। मैंने वो मजाक में बोला था कि सिंदूर है यहाँ लगाएगा कौन सिंदूर। हाँ, वो एक्चुअली ना ये हनुमान जी को पूछते हैं ना ये लोग मतलब औरतें यहाँ के सिंदूर लगाती हैं। हाँ, कुछ फूड कलर टाइप्स लग रहा है, वो छोटे 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 पन्नियों में है, क्या पता पेपरिका हो। हाँ, पेपरिका भी हो सकता है, टमाटर के साथ पेपरिका ही जाता रहता है। देखते हैं सेफ कितना है ये जगह। पर मैं आईफोन 15 लेके चल रही हूँ ना, कंटेंट चला जाएगा पूरा तुम्हारा उसके अंदर। हाँ, फोन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंटेंट, क्योंकि मैंने वो भी नहीं खरीदा है जहाँ पे स्टोर करते। चलो मैं फोन रख रही हूँ भाई पे, ये कुछ तो पेंटिंग बनी हुई है, ग्रीन लाइट हो गई है, चलो चलते हैं। बहुत थक गए, 4 दिन से हम लोग कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो अभी से तो थोड़ी देर ही, क्योंकि छोटा सा शहर है, काफी घूम के आ चुके हैं हम, तो ये सिटी सेंटर का जो स्क्वायर जो भी है वहाँ पर आके बैठे हैं। पीछे ही झरना है, वहीं पर बैठे हैं अभी आके, सोचा हाँ फाउंटेन तो रेस्ट कर लेते थोड़ी देर, पैरों की वाट लग चुकी है। मोही आपका कुछ प्लान है? सुपर मार्केट में तो खरीदेंगे मैगी, क्योंकि इनको जो अभी खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो भी आपको बाय समथिंग, नहीं मतलब थोड़ा सा तीखा और चटपटा तो। पर एक्चुअली खाना यहाँ पर सच में बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, मेरे ख्याल से इवन जॉर्जियंस के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, इतना ज़्यादा खाने के बाद इनके बाद भी ऑप्शन नहीं है, कि शॉप पे भी वही सही सेम चीज़ दिख रही है हर जगह पे। और कल हमने घर पे खाया था तो वो लोग राइस भी खाते हैं, वो उसने राइस पर आया था स्टिकी राइस समथिंग, बट यहाँ कहीं मिलता ही नहीं। और भाई इंडिया दुबई में जाओ तो पूरी किताब मिलती है मेन्यू के नाम पे, पलटते रहो पन्ने, यहाँ पर मिलती है एक पेज बस, एक साइड इंग्लिश एक साइड इनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो ये चीज है, अभी सोच रहे सुपर मार्केट जाए मैगी वैगी खरीदे कुछ तो यार खाने पीने का ले। मैगडी में भी जो खाया था उसकी आलू पट्टी एकदम ब्लैड। आ जाओ, ये एक बड़ा सुंदर सा पॉइंट दिख रहा था, तो मैंने सोचा काफी ट्रैवल ब्लॉगर्स जो हैं अच्छे अच्छे पोस्ट देते हैं, तो मैं भी थोड़ा वॉक ही कर देती हूँ। एक और यहाँ पर कुछ तो ये मेमोरियल टाइप्स बना होगा, तो वहाँ पर मोहित शूट कर रहे थे, उसको शूट कर रहे थे, तो मैंने अपना शूट चालू कर दिया है यहाँ पर। थोड़े से पोज हम भी देख ही लेते हैं कभी कभी, है ना, चलता है। रेस्ट खत्म करके हम आ गए इधर एक और गली जो हमने एक्सप्लोर नहीं की थी, और मुझे लग रहा है कि ये सामने लिखा हुआ है आई लव जुद्दीदी, अब इनके लैंग्वेज में लिखा होगा, बट इन जनरल ऐसा बोर्ड इसी का होता है। धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे जा रहा है, अभी 14 डिग्री हो चुका है। सुपर मार्केट की तलाश में, ताकि कुछ मसाला पानी ले लें, मैगी वैगी ले लें, घर जाके बनाए मस्त खाए पिए। फाइनली बहुत चलने के बाद हमें दिखा एक सुपर मार्केट, हम वहीं आ गए, और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो नॉन वेज वाले नूडल्स हैं। एक मुझे दिखा है ये वाला, देखो इसमें फ़ोटो बनी हुई है सारे वेज की, ये वाला एक वेज दिखा है तो ये वाला ले सकते हैं। और मोहित अभी चेक कर रहे हैं कोई वेज मिल जाए तो। एक ही मैगी है वेज वाली, मैगी तो मिलती ही नहीं है, यही जो भी रशियन नूडल्स है वही ले लिया है मैंने। चलते हैं, और कुछ तो उनका दिख नहीं रहा, मैगी मसाला वगैरह कुछ भी। ये खरीद लिया है मोहित ने, क्या खरीदा है, एक कंडेंस नूडल और एक कंडेंस मिल्क का पिन। अभी सुबह मैंने चाय नहीं पी है तो ब्लैक टी पी है आज, हमें ब्लैक टी विथ शुगर। तो अभी कंडेंस मिल्क खरीद लिया है, 2 दिन हम बतूमे में रुकने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हमारा किचन रहने वाला है। किचन रहने वाला है ना मोही? हाँ, आपने बुक किया है? हाँ, तो स्टूडियो अपार्टमेंट है तो वहाँ भी किचन रहेगा, तो वहाँ भी हम मस्त चाय बना के पी सकते हैं, तो ये कंडेंस मिल्क का ये फायदा है। और बड़ी अजीब बात है, यहाँ पर रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं या है नहीं, कोई ढंग के दिख नहीं रहे कि जहाँ बैठ के खा सको, या तो ऐसे दिख रहे हैं जहाँ एक भी बंदा भी नहीं है, मतलब परिंदा भी नहीं पर मार रहा। शॉर्मा की दुकान वो खुली हुई है पर उसमें कोई बंदा ही नहीं है, पता नहीं क्या अजीब सी बात है, छोटा सा। हम होपफुल हैं कि भी रस्ते में कुछ मिल जाएगा और हम वहाँ खा के जाएंगे, बट ये बैकअप के लिए हमने ले लिया है। तो ये एक सामने वॉक स्पॉट करके, वॉक स्पॉट करके उसमें देखते हैं वेज में कुछ मिलता है हम लोग को कि नहीं।
दिस इज द रेस्टोरेंट वी आर वेस्टिंग. इसमें से कुछ दिख गया है तो हमने वेजिटेबल नूडल्स मोहित ने कर दिया, मैंने वेजिटेबल राइस कर दिया है, तो बहुत दिन बाद हम राइस खाने वाले हैं. लेट्स सी हाउ इट इज. मोहित एक्साइटेड फॉर खाना आने के लिए. अच्छा लग रहा है, मतलब वाइब अच्छा है यहां, गुड. एकदम शांत है बट स्टिल, मतलब व्हेन आई इंट्रोड्यूस गॉट दैट स्मेल कि हां खाना मतलब यहां का. हिंदी बोला करो ना. हां तो जब यहां पर आए तो स्मेल आई एकदम अच्छी थी, जैसे आनी चाहिए एक चाइनीज प्लेस पे या फिर वैसे, तो वो आई बहुत अच्छी. जो हम बात कर रहे थे ना रेस्टोरेंट का मेन्यू एक पेज का होता है, ये देखो. खैर इनका एक पेज पे ही इंग्लिश और इनकी भाषा दोनों लिखी हुई है. दिस इज द मेन्यू. पता नहीं अब खा के देखो, मोहित के नूडल्स जो है वो रेडी हैं. ये तो मोटा मोटा है नूडल्स, बढ़िया लग रहा है. खा के देखो. स्पाइसी बहुत ज्यादा ही बना दिया क्या उसने? खा पाओगे? स्पाइसी है और सेसमे डाला है, वेजिटेबल भी डाला है खूब सारा वैसे. मजे करो. पर अच्छा लगा कुछ? हाँ मतलब टेस्ट तो एटलीस्ट किसी का तो एक्सट्रीम टेस्ट आया, वरना इन लोगों को कुछ टेस्ट ही नहीं आता. ये आ चुका है, ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है. वही दोनों सेम ही दिख रहा है. Same taste. Same taste आपके जैसे ही है, बस नूडल्स के लिए चावल है, बट इसमें खूब सारे वेजीज हैं, चावल कम है, स्पाइसी है, थोड़े से स्वीट है. जो चाइनीज में होता है तो स्वीट खाना खा के हम आ गए हैं वापस से अपने रूम पर. ये रूम काफी एवरेज है, मतलब मैंने तो सोचा था यहाँ पे दो डबल बेड लगा होगा, लेकिन यहाँ पर चार सिंगल बेड लगे हुए हैं. मतलब एक डबल बेड लगा होगा, चार सिंगल बेड लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पर, तो ठीक है. अभी हम सिंगल सिंगल बेड पे मैं और मेरे पति सो जाएंगे और तो बस ऐसा था हमारा जुग दीदी का. आई विल से कि कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे देखने का. एक म्यूज़ियम है, मतलब पैलेस टाइप का है, जो कि हम इतनी लेट आए कि बंद हो गया होगा. और ये सिटी ऑलमोस्ट 8 बजे ही सारी के सारी शॉप सब कुछ क्लोज होने लग रहा था. पर ठीक है, ट्रैवलिंग का यही तो है कि आप सीखते हो. आप जब जब जाते हो, जहाँ जहाँ जाते हो, तो सीखते हो कि ये चीज़ें, ये मिस्टेक दोबारा नहीं करना है. ये एक्सपीरियंस है, आप बड़ी बड़ाई चीज़ों पे नहीं जाते हो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अंकुड़ी बिंदास.